हाँ दोस्तों, इसका गियर खुल गया है। तो ये इसका गियर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कार क्लीनर। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक, हम गियर बॉक्स खोलेंगे ऑडी। तो A8 V6 इंजन है दोस्तों, इसका गियर खोलेंगे। इसका जो सील है वो लीक है, इसको खोलने के लिए दोस्तों कूलर खोलना पड़ेगा, अक्स दोनों खोलने पड़ेंगे, स्टीयरिंग का खोलना पड़ेगा, लैया पाइप, माफी कीजिए, चलते हैं गियर खोलते हैं, तो आपको बताएंगे क्या क्या चीज़ खुलेंगे इसकी। जो हमारे चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो आप तक पहुंच रहे। तो स्पलेंसर भी खोलना है, कुर्सी गियर बॉक्स। हाँ दोस्तों, इसके बाद इसके अंदर वाले बोल्ट हैं, ये वाले आपने खोलने हैं। ऑटोमेटिक हर गाड़ी के इस तरह बोल्ट होते हैं। बिस्मिल्लाह, ये दोस्तों इसके 6 बोल्ट हैं तकरीबन अभी तक। और ये खुलेगा तो गियर बाहर आएगा, नहीं तो गियर बाहर नहीं निकलेगा। तो दोस्तों इसके बाद आपने ये जगह है, ये वाली जगह इधर हसास होता है इलेक्ट्रॉनिक, वो खोल लेना है। वही जगह पे पेचकस लगा के इस जगह से आपने इंजन को घुमाना है। तो इसके बाद दोस्तों आपने ये बोल्ट खोलना है इसके गियर बॉक्स से। हाँ दोस्तों, इसका गियर खुल गया है। तो ये इसका गियर है। गियर खोलने के लिए दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बोल्ट है दोस्तों इसके गियर के। आई भाई बताओ। तो इसका गियर बॉक्स खोलने के लिए ये सिलेंसर है और ये अमूद है, ये भी लाजमी खोलना पड़ेगा ताकि ये थोड़ा सा लाख मुश्किल निकलता है। तो ये गियर के ऊपर है इसका, ये लगा होता है, ये भी नट बोल्ट इसका खोल लेना है। तो चलते हैं दोस्तों, अब ये फ्लाई व्हील खोलते हैं इसका, देखते हैं सोफ़ा ज़्यादा लीक है कि थोड़ा इसको फिर रिप्लेस करते हैं सील इसकी। खाली खाली मकान में।
हाँ सोफा लग गया है। ये सोफा लगा है देसी जुगाड़ से, क्योंकि तो इसकी जो टूल है इसका वो नहीं था इस सोफे के अंदर, प्लास्टिक का। इसके जो बोल्ट हैं फ्राई व्हील के, इस पर सिलिकॉन लगा लेनी है ताकि लीकिंग ना हो। अंदर ऑयल है, ये सिलिकॉन लगाओगे फिर इसके बाद टाइट करना ताकि इधर से ऑयल लीक ना हो। ये मेन पॉइंट आपको बता रहा हूँ।